हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज आ रखे हैं भाई राखा भाई के पास, जो बहुत से बंदे क्रेटा के लवर्स हैं। ये ई वेरिएंट खड़ा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। तो राखा भाई से ही पूछ लेते हैं इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है और क्या क्या भाई आप इसमें करवा सकते हो। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो राखा भाई बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है। भैया मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या हो रहा है, फिर दिखाते हैं आपको। इसके अंदर सनरूफ और अलॉय छोड़ के जो भी टॉप मॉडल में होता है ना SX में, बिल्कुल वो सब कुछ लगेगा। ओके, अगर कोई भी भाई आ रहा है तो उसको पहले तो ये बताओ प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे इजीली? सब कुछ अवेलेबल है, हुंडई जेन्युइन पार्ट लग रहे हैं सारे के सारे जो की होते हैं, जैसे स्टीयरिंग कंट्रोल हुंडई जेन्युइन, सनग्लास होल्डर हुंडई जेन्युइन, साइड मिरर हुंडई जेन्युइन, पार्सल ट्रे हुंडई जेन्युइन, उसके बाद फ्रंट फॉग लाइट हुंडई जेन्युइन, फ्रंट की ग्रिल टॉप मॉडल वाली वो भी हुंडई जेन्युइन। ओके, उसके बाद चारों दरवाजों में कंपोनेंट लग रहे हैं JBL के, एंड्रॉइड स्टीरियो लग रहा है, डैम्पिंग हो रही है, फ्लोरिंग हो रही है, सीट कवर लग रहे हैं, रूफ रेल लग रही है, शार्क फिन एंटीना, पीछे से डिग्गी की सेंटर लाइट, रिफ्लेक्टर, आगे पीछे का गार्ड, साइड के फुटरेस्ट, क्रोम आइटम्स, डोर वाइजर, HID, LED, मतलब जो भी एक गाड़ी के अंदर इसके अंदर टॉप मॉडल में और उसके अलावा जो भी लग सकता है, मतलब कुल मिला के बात ये बेस टू टॉप बनाने की पूरी बन रही है। तो अब एक बार आप आ जाओ, डैम्पिंग जो आपने बताया क्या क्या इसमें लग रहा है? ये देखो भैया, इसमें डैम्पिंग हो रही है आपकी डबल लेयर में, अंदर की तरफ भी देख सकते हो, उसके बाद बाहर की तरफ भी। हाँ, और इसके अंदर स्पीकर कंपोनेंट लगेंगे JBL के, JBL के कंपोनेंट और अपने स्पीकर भी वही लग रहे हैं, और ट्विटर भी JBL के, वो पूरा सेट ही आता है, सीट कवर बकेट लगाए हैं हमने, देखो आप ये सीट कवर बकेट है भाई। तो ये ड्यूल टोन कलर में है, पीच एंड ब्लैक में, मतलब गाड़ी का जो इंटीरियर है उससे मैच करते हुए बिल्कुल है। चलो भाई बढ़िया लग रहा है। और बाकी उसके बाद ये नीचे फ्लोरिंग हो रखी है बिल्कुल, कारपेट पे देखो H2H कहीं पे भी कोई सलवट, बिल्कुल बिल्कुल। ये कंपनी वाले ही है ना स्पीकर? ये कंपनी वाले, ये डी बेस करके आते हैं। हाँ, डी बेस करके आते हैं भाई, मुझे तो थर्ड क्लास ही लग रहे हैं भाई। इसके अंदर स्टीयरिंग रैप हुआ है, स्टीयरिंग रैप उधर से दिखा देते हैं, बाकी ऊपर से कुछ चेंज हुआ हो? ऊपर से कुछ चेंज नहीं। चलो भाई ठीक है। तो ये बात कर लेते भाई अपनी वेलकम प्लेट की, इसके ऊपर से अभी ये हटेगा, ये हटेगा तो क्रेटा लिखा हुआ मिल जाता है आपको। बाकी इसमें जो है सबसे बड़ी चीज भाई, चढ़ने के लिए अपने को फुट रेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है। और बाकी ये भाई क्रेटा की यहाँ पे भी मिल जाती है। और ये आपने दिए या भाई आप? ये लगे हुए आते हैं, ठीक है। तो भाई ये 10 इंच की स्क्रीन मिलती है, एक बार मैं इसको चला के दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद आपको। इधर भी डैम्पिंग हो रखी है, अपने जो कंपोनेंट है आगे लग चुके हैं, और ऐसा इसको कुछ रिस्पॉन्स है भाई, अभी काम कर रहे हैं। आगे से मैं आपको बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ इसकी। ये क्रोमिंग भी आपने लगाई है इसके अंदर, क्रोम हैंडल्स जो है अपने, डोर वाइजर्स भी लगे हुए हैं, फोर क्रेटा लिखा हुआ मिला हुआ है, यहाँ पे भी क्रोम लगेगा अभी, लोअर गार्निश जो होती है। एक बार रूफ रिल्स का भी लुक दिखा देता हूँ भाई मैं आपको, देख लो रूफ रिल्स ऐसी कुछ दिखने में, काफी बढ़िया लुक निकल के आता है। इसकी पेस्टिंग भी काफी लंबे समय तक रहती है। अब फ्रंट लुक दिखाऊं तो भाई देखो, आप बोल नहीं सकते, पूरी ग्रिल चेंज है भाई, ये टॉप मॉडल वाली है पूरी ग्रिल, और बाकी इसकी जो पुरानी ग्रिल है वो पीछे रखी हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ऐसा कुछ रिस्पांस निकल के आता है, आगे जो डिफ्यूजर भी लगा हुआ है ना, आगे पीछे का भी ABS गार्ड आता है, हमने ये भी इंस्टॉल करा है, हेडलैम्प, ये ABS गार्ड है, ABS गार्ड है, फ्रंट एंड रियर दोनों आता है। अच्छा, ये जो नीचे से है, अच्छा ओके, तो नंबर प्लेट तो अपनी यहीं पे लग जाएगी। तो बाकी भाई देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, और बाकी हुंडई का बीच में आपको लोगो मिल जाता है अगर आप ग्रिल लगवा रहे हैं तो, काफी देखने में यूनिक। और बाकी हेडलाइट में कुछ चेंज हुआ हो भाई? हेडलाइट के अंदर हमने HID इंस्टॉल करी है, HID इंस्टॉल की है, फॉग लैंप भी लगाई है, फॉग लैंप में LED इंस्टॉल की है, फॉग लैंप में LED भी इंस्टॉल की है। तो भाई ये है इसका नीचे का भाई, अपने फॉग लैंप का लुक LED में, तो LED में निकल के आता है। और बाकी प्रोजेक्टर का लुक आप देख सकते हो, तो वाइट ही मिलता है आपको इसका। अगर मैं उसकी बात करूं तो भाई अपना कितने दूर तक की इसकी वो रहती है रोशनी? भैया जो आपके नॉर्मल हैलोजन लैंप होते हैं उससे दो गुना ज्यादा रहती है। चलो भाई देख लो, ऐसा इसका कुछ लिखने के आ रहा है, और आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, अच्छा आएगा रिस्पॉन्स, अभी भी इसका काफी ज्यादा आ रहा है। और बाकी बात कर लेते हैं भाई साइड से और क्या चेंज हुआ है भाई इसमें? लोअर गार्डनिश इधर लग चुकी है, कौन से साइड मिरर ऑटोमेटिक करवा रहे हैं, ठीक है भाई। जो पुरानी ग्रिल थी, ओल्ड ग्रिल थी ना हुंडई की, जो लगी हुई आती है, तो भाई ऐसी इसकी ग्रिल मिलती है। अब ओरिजिनल जो है आगे लग चुकी है जैसे कि आपने देख लिया होगा। जो साइड मिरर है हम तारे हमने जो मैनुअल होते हैं, ये कैप इसकी वाइट नहीं है, कैप हमने जो लगाई थी वो वाइट थी, तो हमने कैप चेंज कर दी, कैप भी चेंज कर दी है, वो आती वाइट ही है, ओके, ब्लैक नहीं आती हमारे पास, तो कैप चेंज कर देते कोई भी कलर की गाड़ी हो तो। ये इनके जो मिरर उतरे हैं ये नॉर्मल मिरर है, पर हमने ऑटोमेटिक लगाए हैं, उसके साथ स्विच भी इंस्टॉल करा है, स्विच भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो इनका स्विच उतरा है वो ये है, दिखाना भाई, कंपनी लगा के देती है, इसके अंदर ये ऑन ऑफ का बटन नहीं होता, बाकी सेम होता है। चलो ये कंप्लीट ये वाला सेटअप हट गया, अपर मीटिंग है, पूरा ये चेंज होता है, कोई बोल नहीं सकता, नहीं ये उतर के इसी के अंदर लगता है, कटिंग होके, कटिंग होके, कोई बोल नहीं सकता, कटिंग हो रखी है, ये हमने दबाया बंद हो गया, ये खोला खुल गया, ऐसी की के साथ भी होगा ये देखो। अच्छा, की निकालेंगे तो आउट करेंगे, ये लॉक करा, लॉक
ओके डेवलप किया अनलॉक। और बाकी भाई माउंटेड बटन्स में कुछ चेंज हुआ? बटन अभी ये लगे ना ओरिजिनल वाले। ओके ये ओरिजिनल वाले हां ये खाली होती है। ओके माउंटेड बटन पूरे इससे कनेक्ट। सनग्लास होल्डर भी लगेगा ऊपर। अभी भाई देख लो सनग्लास होल्डर भी नहीं लगाया, वो भी लग जाएगा। ये रहा भैया प्रॉपर ऐसे पैकिंग में आता है हुंडई की। ये खोला पैकिंग में नहीं आता, नहीं भी होता है। ओके कई लोग बोले कि पैकिंग पैकिंग हुंडई की दिखा रहे। ये लो ना इस टाइप का होता है सनग्लास होल्डर विद लाइट आपका। ओके हुंडई ओरिजिनल बिल्कुल भाई जूम करके देख सकते हो। और अगर आपको इस पे भी भरोसा नहीं है तो ये बारकोड होता है, इसको स्कैन कर लेना। स्कैन करके मतलब पता चल जाएगा हुंडई आ जाएगा। तो भाई जैसे कि आपने देख लिया भाई, राखा भाई ने बहुत सारी आइटम है जो अपने ओन शॉप पे अवेलेबल कर रखी है, आप इजीली यहाँ पर आ सकते हो। तो देखो अभी भाई का काम होने देते हैं, फिर मैं आपको इसका म्यूजिक। एक भाई ये खड़ी हुई और एक भाई ये खड़ी हुई, दो क्रेट आए हैं, दोनों का काम चल रहा है, काफी दूर से आ रखे हैं भाई। तो अभी काम को होने देते हैं और जब म्यूजिक सिस्टम का रिस्पांस है ना वो भी दिखाऊंगा, और पूरा जो अपग्रेड हुआ है ना गाड़ी का जो भी सिस्टम है वो सारा एक बार और मैं आपको वॉक अराउंड दिखा दूंगा। लाइट दिखाता हूँ, डिग्गी बंद करियो। अच्छा जो बैक लाइट है इसकी ये रिफ्लेक्टर भी वर्क कर रहे हैं ना इसके इंडिकेटर के साथ, देख लो भाई बढ़िया लग रहा है यार, बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फुल वेरिएंट लग रहा है बिल्कुल। नीचे का एबीएस गार्ड। अच्छा इसमें भाई अपना शाकवे कैंटीना नहीं लग सकता? वो भी लग सकता है शाकवे कैंटीना। तो भाई जैसे कि देख लो बहुत मतलब काम तेजी से चल रहा है, मुश्किल से थोड़ी देर की बात है, मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाता हूँ जो उसका पूरा लुक निकल के आता है ना, फाइनल जो लुक होएगा वो कैसा लगने को लगता है। एट दी एंड अपनी क्रेटा का भी काम खत्म हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो भाई ये सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया चीज लगती है भाई, 10 इंची की स्क्रीन जो भाई ने अपनी इंस्टॉल करी है। भाई पहले बताओ कौन सी है भाई? ये स्मार्ट सोनिक की एंड्रॉइड है 2+32 GB के अंदर। ओके मतलब 2 GB रैम 32 GB इंटरनल मेमोरी है जो इसके अंदर। अब इसके फीचर्स के बारे में बता दो भाई। फीचर्स इसमें के अंदर भी एक तरह का टैबलेट है, इसमें सब कुछ चलता है, यूट्यूब चलता है, गूगल मैप चलता है, नेटफ्लिक्स चल जाएगा, विंक म्यूजिक गाना ऐप सब कुछ चलता है। तो भाई जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो नेविगेशन भी है, ब्लूटूथ भी है, एप्स में अगर आप जाते हैं तो सारी चीजें आपको यहाँ दिख जाएगी, एपीके इंस्टॉलर, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वो सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। और इसमें जो है चार कंपोनेंट लगे, कौन सी कंपनी के लगे भाई? JBL के कंपोनेंट लगे हैं। और ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो सनग्लास होल्डर भी लगा हुआ है, ये फुल वर्किंग में है भाई, जो अपना टॉप वेरिएंट में भी आता है, और इसमें सनग्लास होल्डर भी आपको मिल जाता है जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, बाकी आगे जो लाइट लगी है कौन सी उसकी लगी भाई? HID लगाई हमने हेडलाइट के अंदर जीवा की, कैनबस 65 वॉट के अंदर। नीचे फॉग लाइट में LED लगाई है हमने जीवा की, वो है 45 वॉट के अंदर। फॉग लाइट लगाई है हुंडई जेन्युइन और साथ में रिले वायरिंग के साथ, ताकि बैटरी पे लोड ना पड़े। प्राइसिंग की बात करी जाए तो प्राइसिंग भैया देखो मैं शुरू करता हूँ सीट कवर से। सीट कवर आपके 5000 से स्टार्ट है मेरे पास और 9000 तक के अवेलेबल है। बिल्कुल क्रेटा के अंदर, क्रेटा सोनेट सेल्टोस इन ये जो गाड़ियां हैं इन सबके 5000 से 9000। स्टीयरिंग माउंट ओरिजिनल लगवाते हो कंपनी का तो बढ़ेगा आपको 2500 का, कॉपी लगवाओगे तो 1800 रुपए का। बिल्कुल स्क्रीन मेरे पास जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 8000 रुपए से स्टार्ट है, से स्टार्ट होके 22000 तक की अवेलेबल है। ओके तो अभी इसका इसकी कॉस्ट बताएं तो भाई ये 2+32 के अंदर है, ये 14.5 की है विद DSP विद हाईफाई विद सिम स्लॉट एंड विद एप्पल कारप्ले। ओके भाई उसके बाद सनग्लास होल्डर ओरिजिनल जेन्युइन कंपनी 4500। ओके उसके बाद आपकी फॉग लाइट हुंडई जेन्युइन 2200। ओके HID की स्टार्टिंग रेंज है 4500 मैक्सिमम 6500। ओके LED 1500 से लेके 4000 तक की। बीच में सेंटर लाइट दो आती है, एक आती है चिपकाने वाली, एक आती है रिप्लेसमेंट। चिपकाने वाली लगाते हो तो आपकी आ जाएगी 3500 की, और रिप्लेसमेंट वाली लगवाते हो तो आपकी आ जाएगी 5000 की। ओके तो भाई इसके आगे की आपने ग्रिल भी तो चेंज की है उसका? ग्रिल भी ग्रिल का क्या प्राइस है? ओरिजिनल है वो, रिप्लेसमेंट ग्रिल है वो, लगवाते हो तो वो आपकी पड़ती है 10000। अगर वो हम दे देते हैं तो आपको? नहीं नहीं वो हम नहीं लेते, 10500 रुपए की पड़ेगी। अच्छा 10500 रुपए की पड़ेगी जो ओरिजिनल टॉप मॉडल वाले जो हुंडई क्रेटा की जो आती है। उसके बाद छोटी मोटी चीजें इसका प्लेट है 1000, स्टीयरिंग रैप 800, रिफ्लेक्टर आपके 2500, साइड मिरर ऑटोमेटिक का खर्चा आपका आता है 11500 रुपए। उसके बाद आपका छोटे मोटे बाकी डोर वाइज लोअर गार्निश है, ये तो छोटे मोटे खर्चे हैं भाई, तो जैसे कि आपने देख लिया है। और जो भाई इसके ओनर है ना उनसे भी मैं आपको मिलवा देता हूँ, वो कितने संतुष्ट है काम कराने के बाद, अपने राखा भाई के पास आने के बाद। तो भाई आ चुके हैं अपने भाई जिनकी गाड़ी है। भाई नाम क्या आपका? अभय नाम है। तो भाई अपने राखा कार्स पे आ रखे हैं, तो भाई कैसा लगा आपको काम पहले तो ये बताओ? बहुत बढ़िया भाई। कोई वायर कट या फिर कुछ ऐसा लगा हुआ आपको? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक जो काम हुआ है उससे आप सेटिस्फाई हैं पूरा? हाँ जी बहुत बढ़िया काम हुआ है, काम में फुल सेटिस्फेक्शन है ना? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई कहाँ से आए हो आप? नोएडा से। नोएडा से आए हैं भाई, काफी दूर से आए हैं, तो ऐसा नहीं है भाई
कोई भी आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजी टू यूज है, काम में कोई शिकायत नहीं। भाई कब आए थे आप पहले ये बताओ? मैं आया था भाई 2 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास तो भाई ने, भाई का बेस मॉडल है क्रेटा, कब ली थी भाई आपने? मैंने कल ही निकलवाई है। कल ही निकलवाई और आज ही आ गए भाई। तो देखा जाए तो काम तो भाई ने एवन कराया, मतलब बेस टू टॉप करवा लिया है भाई साहब ने। ऑलमोस्ट तो बेस टू टॉप हो गई है, तो भाई को फुल सेटिस्फेक्शन है। तो भाई एक बार थम्स अप कर दो। तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया होगा अपनी क्रेटा की मॉडिफिकेशन पूरी की पूरी हो चुकी है, बेस टू टॉप भाई ने कर दी है इसको। तो गाइस बस यही था इस वीडियो के अंदर, अगर कोई भी आ रहा है तो इजीली आ सकता है, राखा कार्स भाई ये रहा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।